हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 16, और ये पेपर हुआ था 9 अगस्त 2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं और इसकी मदद से आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन फोर्थ कमिंग सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास की। देखिए, एक ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है और इसको पढ़ते हैं और इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वेयर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। यहाँ पर एक्चुअली पूरा सेंटेंस ये पास्ट टेंस में है, रितिका डिसाइडेड, तो ये भी विजिटेड होना चाहिए। रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वेयर अ नाइस ड्रेस एंड विजिटेड हर आंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर वन का आपका आंसर होगा सी, क्योंकि विजिट के स्थान पर आप लगाएंगे विजिटेड। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। ग्रेटर देन के बाद हम एनी अदर लगाते हैं, लेकिन ग्रेटर से पहले हम दा नहीं लगाते। ठीक है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा, ये दा यहां पर नहीं आएगा। फिलहाल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल। मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि पीटर की लेथार्जी यानी पीटर की डलनेस की वजह से ये जो प्लान था वो फेल हो गया। तो फेल होने को हम बोलते हैं फेल थ्रू। फॉल थ्रू होता है, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस है तो उसको हम बोलेंगे फेल थ्रू। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा फेल थ्रू। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। मदर शेल रिटर्न एन आवर। जब हम बोलते हैं कि वो वापस आ जाएगा तो हम हमेशा बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले वो वापस आ जाएगा। यदि आप यहां पर इन लगाएंगे तो इसका मतलब होगा मदर शेल रिटर्न इन एन आर, एक घंटे में, एक घंटे के बाद, मतलब एक घंटे खत्म होने के बाद वो आएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर सेंटेंस का सेंस है मदर शेल रिटर्न विद इन एन आर, मतलब एक घंटे के भीतर भीतर वो वापस आएंगी। तो यहां पर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर डी आपका सही आंसर आपका होगा। सिनोनिम देखते हैं। सरेप्टिटियस का क्या मतलब होता है? सरेप्टिटियस ये वर्ड काफी बार रिपीट हुआ है एसएससी एग्जाम्स में। इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्पेलिंग भी आप जरूर याद कर लें। और सरेप्टिटियस का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को चोरी छुपे करना, सीक्रेट या क्लैंडेस्टाइन, इसके इसके सिनोनिम्स होंगे सीक्रेट क्लैंडेस्टाइन। और इसका एंटोनिम होगा ब्लेटेंट, क्योंकि ब्लेटेंट का मतलब होता है ओपनली, खुलेआम किसी काम को करना। ठीक है, इम्पायस का अर्थ होता है सिनफुल या इररेवरेंट। एक ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इररेवरेंट। ठीक है, अनहोली या इमोरल, और इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा पायस। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। इनएनिशन का क्या अर्थ है? इनएनिशन का अर्थ होता है लेथार्जी या डलनेस। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे सिनोनिम्स यहाँ पर रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। लेसीट्यूड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेसीट्यूड का मतलब होता है थकान होना या आलस आना। ठीक है, लेसीट्यूड। लेथार्जी का मतलब भी डलनेस होता है। लिस्टलेसनेस एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनर्शिया ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रेस्पिंग का अर्थ होता है रेपेसियस या लालची। वीनियल का अर्थ होता है करप्ट। यूसूरियस ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, करप्ट इसका अर्थ होता है। ऑफेंसिव का डेरोगेटरी अपमानजनक होता है। वैसिलेट का क्या अर्थ है? वैसिलेट का अर्थ होता है वेवर करना, हेजिटेट होना। ठीक है, तो इसके लिए डिदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा रिजोल्यूट। एंटोनिम बताना है इम्ब्रोग्लियो का। इम्ब्रोग्लियो का क्या मतलब होता है? घबराहट या पैनिक सिचुएशन को हम इम्ब्रोग्लियो बोलते हैं। और इसका जो सही एंटोनिम होगा, देखिए यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है सिनोनिम नहीं, तो एंटोनिम इसका होगा कंपोजर। ठीक है, इम्ब्रोग्लियो का, क्योंकि कंपोजर का अर्थ होता है कॉन्फिडेंट होना और मेंटली स्ट्रांग फील करना। तो इम्ब्रोग्लियो का एम्बेरसमेंट, इंटेंगलमेंट इसके सिनोनिम्स होंगे और एंटोनिम होगा इसका कंपोजर। सेंसर का अर्थ होगा क्रिटिसाइज या रेप्रीमांड, और डिलेमा का अर्थ होगा क्वांड्री। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांड्री। इसके लिए इम्पास भी बोलते हैं और इसके लिए एक इडियम यूज होता है डिलेमा के लिए, जब आप किसी दुविधा में होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होते हैं उसको हम बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और प्रेडिक्टमेंट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं। मिजरी का अर्थ होता है दुख, दर्द या कष्ट, उसको हम मिजरी बोलते हैं। बीक्वेस्ट का क्या अर्थ है? बीक्वेस्ट का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। बीक्वेस्ट का अर्थ होता है एक व्यक्ति जब अपनी वसीयत करता है, विल राइट करता है, या अपने 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 पीछे को छोड़ के जाता है, दैट इज कॉल्ड बीक्वेस्ट। तो यदि आप देते हैं तो बीक्वेस्ट, और यदि आप देते नहीं हैं, वापस ले लेते हैं उस चीज़ को, तो उसको हम बोलेंगे विड्रॉ।
तो विड्रॉ यहां पर इसका सही एंटोनिम होगा बिक्वेस्ट का, ठीक है। इनहेरिटेंस इसका सिनोनिम होगा, लेगेसी इसका सिनोनिम होगा, और इसका एंटोनिम होगा विड्रॉ। अकॉर्ड का अर्थ होता है अग्रीमेंट या कंकरेंस, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका डिस्प्यूट। एडम्स एल ये एक इडियम है, और इसका क्या अर्थ होता है एडम्स एल? इसका अर्थ होता है प्योर एंड क्लीन वाटर। प्योर एंड क्लीन वाटर को हम बोलते हैं एडम्स एल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एट वंस विट्स एंड, ठीक है। विट्स हम बोलते हैं बुद्धि को या दिमाग को, ठीक है। तो दिमाग चकरा जाता है उसको हम बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। तो इसका मतलब होता है पजल या कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। सी इसका आपका सही आंसर होगा। और यहां पर इससे रिलेटेड कुछ और इडियम मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एट वंस विट्स एंड मतलब कंफ्यूज हो जाना, कीप वंस विट्स अबाउट वन, ये एक अच्छा आइडिया है, ठीक है, या सकता है एग्जाम में। कीप वंस विट्स अबाउट वन इसका मतलब होता है अलर्ट होना, और लिव बाय वंस विट्स अपनी बुद्धि से अपनी जीविका चलाना उसको हम बोलते हैं लिव बाय वंस विट्स। तो ये तीन इडियम्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ये क्वेश्चन है। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सो आई थॉट आई वॉज डन विद When the manager asked me to hand it in, hand it in का मतलब होता है किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को सौंपना अपने सीनियर को, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि उसने चूंकि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, और जब मैनेजर ने उससे बोला कि उस प्रोजेक्ट को मुझे आप सौंपिए, तो उसने वो काफ़ी पैनिक, उसने काफ़ी मुसीबत में वो आ गया, और ही वॉज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो डिफिकल्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं डन फॉर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डन फॉर। डन के और भी कई मीनिंग है, डन का मतलब कंप्लीटेड भी होता है। खाना जो होता है बन जाता है उसको भी हम बोलते हैं डन। इसका मतलब थकान या थकना भी होता है, एग्जॉस्टेड, यूज्ड अप। और यदि किसी चीज़ को आप बोलते हैं दिस इज़ नॉट डन, मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो इनफॉर्मल इंग्लिश में डन का मतलब एक्सेप्टेबल भी होता है। कुछ और इडियम्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आई एम डन विथ। यदि आप ऐसे बोलते हैं आई एम डन विथ somebody या आई हैव डन विथ somebody, इसका मतलब किसी व्यक्ति के साथ आपके रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना, डन विथ। डन फॉर के कई मीनिंग हैं। इन सीरियस डिफिकल्टीज का मतलब होता है डेड और क्लोज टू डेथ भी होता है, और इसका एक मतलब डिप्राइव भी होता है, अपने साधनों से वंचित हो जाना। डन इन का मतलब होता है वेरी टायर्ड, ठीक है। और डन इन या डन अप हम बोलते हैं फिजिकली एग्जॉस्टेड को। तो ये सारे मीनिंग्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रोहन वॉज अपसेट एंड सो पिक्ड अप हिज फूड वाइल हिज कजिन्स एट हार्टिली। मतलब रोहन अपसेट था इसलिए उसने अपने खाने को अच्छे तरीके से नहीं खाया, जबकि उसके कजिन्स ने अच्छे तरीके से खाया। तो यहाँ पर हम पिकअप की स्थान पर क्या बोलेंगे? पिकअप नहीं बोलेंगे, पिकअप का मतलब उठाना होता है किसी चीज़ को, यहाँ पर हम बोलेंगे पिकेट, क्योंकि पिकेट का मतलब होता है टू ईट फूड इन स्मॉल पीसेस एंड विदाउट इंजॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ और फ्रेजल वर्ब लिए हैं। पिकेट का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट, पिक ऑफ का मतलब रिमूव, पिक ऑन किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना, परेशान करना उसको बोलते हैं पिक ऑन, पिक आउट मतलब चूज करना, पिक ओवर मतलब एग्जामिन करना, और पिकअप मतलब उठाना किसी चीज़ को। तो ये भी सारे फ्रेजल वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, अपना सिंहासन अपनी इच्छा से त्याग देना, इसको हम बोलते हैं एब्डिकेट, एब्डिकेट। आर्चर का मतलब होता है शूटिंग करना धनुष बाण से, बो और एरो से। विगट का मतलब होता है एक धर्मांध व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने धर्म को मानता है और इनटॉलरेंट है। एब्डिकेट का अर्थ होता है रिनाउंस वंस थ्रोन। डेलीगेट का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी व्यक्ति को दे देना या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना। तो रिप्रेजेंटेटिव, इनवॉय और इमीसरी, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वर्ड्स रिटेन ऑन द टूम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की कब्र पर कुछ लिखा होना, ये काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन। एपिटेफ इसको हम बोलेंगे। एपिक्यूर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो खाने पीने का शौकीन होता है। एपिटोम किसी भी फील्ड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु, उसको हम बोलते हैं एपिटोम। एपीग्राम एक छोटी सी पोयम या एक छोटी सी कोई भी सेइंग होती है उसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्विप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन भी किए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
और फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेडेंट एक्यूरेट सही है बी यू एस आई एन ई डबल एस, बी यू एस आई एन ई डबल एस सही है। सेडेंट्री में एक्चुअली ए आता है यहाँ पर, एस ई डी एन टी ए आर वाई, ज्वेलरी की सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, सेडेंट्री की स्पेलिंग गलत है। सेडेंट्री का अर्थ होता है इनएक्टिव सिटिंग या डेस्क बाउंड, जो व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठ के अपना पूरा काम करता है, इनएक्टिव होता है, सिटिंग होता है, उसको हम बोलते हैं सेडेंट्री या डेस्क बाउंड, और इसका एंटोनिम होगा एक्टिव। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कमिट सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, इसमें ये इसमें तीन लेटर दो बार आते हैं, कमेटी तो सही है, वेटरिनरी सही है, और रिपेंटेंस सही है। शोफर जो जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, प्राइवेट ड्राइवर होता है, उसको हम शोफर बोलते हैं, शोफर में डबल एफ आता है, तो शोफर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। रिपेंटेंस का क्या अर्थ है, रिग्रेट या पश्चाताप, उसको हम बोलते हैं रिपेंटेंस। शोफर हम पर्सनल ड्राइवर को बोलते हैं, ठीक है। ये पैराजंबल के क्वेश्चन हैं और ये हैं आपके ऑप्शंस। इसमें हम देखते हैं पैराजंबल एक पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ नॉर्मली स्टार्ट होता है नाउन से, और उस नाउन को फिर रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से। तो इसमें ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये एक्सटेंशन है एक सेंटेंस का। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा इस नाउन से, बुक से। बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, मतलब बुक्स एक ऐसी फ्रेंड्स हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, फेल, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डिजर्ट। तो ये दोनों सेम वर्ड हैं, फेल होना मतलब किसी को धोखा देना, और डिजर्ट मतलब किसी को अकेला छोड़ देना। तो इन दोनों वर्ड्स का, इन दोनों का क्यू पी का एक मैंडेटरी पेयर यहाँ पर बन रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर भी दे आ रहा है, यहाँ पर भी दे आ रहा है, तो आप ये वाला दे बाद में लेंगे, पहले आप ये वाला लेंगे, क्योंकि इन दोनों का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, दे नेवर डिजर्ट अस इवन वाइल ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव डिजर्टेड अस। बुक्स हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती हैं, उस समय भी जबकि हमारे सारे जो जो सच्चे दोस्त होने का दावा करते हैं, वो लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जो जो आपके सही समय में आपका साथ देते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड उसको बोलते हैं हम। तो क्यू पी और क्यू पी से एक्चुअली यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा, क्यू पी, क्यू पी के बाद फिर आर आ जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। डी इसमें आपका सही आंसर होगा। इसको देखते हैं, इस पैराजंबल को, इसमें नाउन देखते हैं कहाँ पर है। व्हेन द रोबर वॉज नियर हर बेड शी स्टूड अप, देखिए इसमें तो प्रोनाउन काफ़ी हैं, इसमें नाउन कहाँ पर है, वन नाइट द रोबर डिड एंटर हर रूम, बट लक्ष्मी इसमें नाउन है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, वन नाइट द रोबर डिड एंटर हर रूम बट लक्ष्मी डिड नॉट मेक एनी साउंड, उसने कोई भी साउंड नहीं करी, एक बार उसके घर में चोर घुस गए। शी जस्ट केप्ट अ टाइट होल्ड ऑफ द नाइफ एंड प्रिटेंडेड टू बी साउंड अस्लीप, ठीक है, उसने कोई आवाज़ नहीं की और ऐसा बहाना किया कि वो सो रही है। तो यहाँ पर ये सेकेंड आ जाएगा, रॉबर वॉज टेकन अबैक, मतलब वो आश्चर्यचकित रह गया, चकरा गया एकदम, चकराने से पहले कोई घटना होगी तभी तो वो चकराएगा, तो इसलिए इससे पहले थर्ड आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका फोर, ये हो जाएगा फोर, ठीक है। तो क्यू आर पी एस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आई विल राइट एन एसे, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, इसका पैसिव वॉइस होगा एन एसे विल बी रिटन बाय पी, एन एसे विल का विल बी हो जाता है, एन एसे विल बी रिटन बाय मी, एन एसे विल हैव है, इसमें हैज बीन हैज बीन, हाँ इसमें सेकेंड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपका नरेशन है, नेहा सैड नीड आई राइट अ लेटर, इसका मतलब है कि डू आई हैव टू राइट ए लेटर, क्या मुझे एक पत्र लिखना है। यहाँ पर कंपल्सन की बात हो रही है और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हैव तो नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, नेहा आस्क्ड ऑफ नहीं आएगा, इसमें ये आंसर होगा इसका, नेहा आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड आई राइट टू लेटर का मतलब है डू आई हैव टू राइट ए लेटर, क्या मुझे लेटर लिखने की ज़रूरत है। तो डू आई हैव टू का पास जो होगा वो हैड टू होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस इसमें सही है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है और काफ़ी ये अच्छा सेंटेंस है, डी इसमें आपका आंसर होगा। ये है आपका क्लोज टेस्ट और इसको पढ़ते हैं, द क्वेस्ट फॉर अ लाइफ इनग्रॉसेस एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, और हर व्यक्ति ये खोजता रहता है इस पृथ्वी में, जितने भी व्यक्ति हैं हर व्यक्ति ये खोजता है
एक एक लाइफ को सुंदर, खूबसूरत और हैप्पी किस तरह से बनाया जाए. द क्वेस्ट फॉर अ हैप्पी लाइफ इन ग्रॉसेस एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ. ठीक है, हैप्पी यहां पर इसलिए भी आएगा क्योंकि यहां पर आगे हैप्पी लाइफ दिया हुआ है. द क्वेस्ट फॉर ए हैप्पी लाइफ इन ग्रॉसेस एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ एवरी मैन टेंड टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ इन ए. हर व्यक्ति हैप्पी लाइफ को डिफाइन करता है अपने इंडिविजुअलिस्टिक फैशन में. हर व्यक्ति की एक अलग परिभाषा होती है हैप्पीनेस की. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे इंडिविजुअलिस्टिक. एक वर्ड आया है इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब हर व्यक्ति की एक अलग परिभाषा होती है और वो अलग परिभाषा को हम कैसे बोलेंगे, डिस्टिंक्टली. तो डिस्टिंक्टली यहाँ पर सही होगा. ऑन दिस अर्थ एवरी मैन टेंड टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ इन ए डिस्टिंक्टली इंडिविजुअलिस्टिक फैशन. जो डिस्टिंक्ट होता है वही इंडिविजुअलिस्टिक होता है. तो इसलिए डिस्टिंक्टली यहाँ पर सही आंसर आपका होगा. फैशन हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ. हैप्पी लाइफ को काफ़ी सारे लोगों ने डिफाइन किया है. हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पर सही वर्ड क्या होगा, प्रोफेसर होगा, थिंकर होगा, रिसर्चर होगा. देखिए साइंटिस्ट और रिसर्चर नहीं होगा क्योंकि ये तो साइंस से रिलेटेड है, ये फिलोसफी से रिलेटेड नहीं है. और प्रोफेसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसका इसका संबंध क्लास में जाना और क्लास लेने से होता है. ठीक है, प्रोफेसर का. तो यहाँ पर सही वर्ड होगा थिंकर. थिंकर्स हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ. ठीक है, थिंकर्स जो लोग होते हैं वो अलग अलग फिलोसफी बनाते हैं और फिलोसफी को डेवलप करते हैं. तो यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा. थिंकर्स हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ इन वेरियस टर्म्स. हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट मतलब ऐसे व्यक्ति जो मानते हैं कि जो फिजिकल प्लेजर है वही सब कुछ है. हेडोनिस्ट हैव अ कॉम्प्लेक्स नोशन डिस्टिंक्ट वेरिएट. सिंपल आएगा इसमें क्योंकि हेडोनिस्ट सिंपली मानते हैं कि जो फिजिकल प्लेजर्स हैं वो सबसे बड़ा सुख है. तो हेडोनिस्ट हैव अ सिंपल नोशन दैट हैप्पीनेस लाइज इन द फिजिकल एपीटाइट. तो यहाँ पर फिजिकल एपीटाइट जो होती है, फिजिकल एपीटाइट को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. तो सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड इसमें जो वर्ड है वो है ग्रेटिफिकेशन. तो यहाँ पर होगा ग्रेटिफिकेशन. तो इस तरीके से ये वीडियो क्लास थी और SSC CGL 2017 के ये रियल क्वेश्चन हैं. और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आप प्री, एटलीस्ट प्री में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, TA2 जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं. तो इस वीडियो क्लास के बारे में कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. Thank you.